दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की 5 मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स के बारे में बताने वाले हैं। अरबाज खान एंड मलाइका अरोड़ा। शादी के 17 साल बाद मलाइका अरोड़ा के अर्जुन कपूर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप के कारण मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की डिवोर्स हो गई और इस डिवोर्स के लिए अरबाज खान को 15 करोड़ की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान। दोस्तों ये खबर सबके लिए बहुत ही शॉकिंग थी जब बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान की डिवोर्स हो गई थी। शादी के इतने लंबे समय के बाद इन दोनों की डिवोर्स हो गई और इस डिवोर्स के लिए सुजैन खान ने 400 करोड़ रुपए की बहुत भारी रकम की डिमांड भी की थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को डिवोर्स के लिए 350 करोड़ रुपए पे राजी किया और डिवोर्स दे दी। फरहान अख्तर एंड अधूना भावनी। दोस्तों शादी के 16 साल बाद बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने अपनी रिच हेयर स्टाइल वाइफ को डिवोर्स दे दी। अधूना ने डिवोर्स के लिए जो मुंबई में 10,000 स्क्वायर फीट बंगलो की डिमांड की थी और इस बंगलो की कीमत 70 करोड़ रुपए थी और इसके अलावा फरहान अख्तर को अपने बच्चों की स्टडी के लिए भी करोड़ों की कीमत चुकानी पड़ी थी। सैफ अली खान एंड अमृता राव। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता राव से शादी की थी। सैफ अली खान ने अमृता राव को डिवोर्स देने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और हर मंथ 1,00,000 रुपए भी देते थे बच्चों की एजुकेशन के लिए। आमिर खान एंड किरण राव। जी हां दोस्तों, शादी के 15 साल बाद आमिर खान ने अपनी दूसरी वाइफ किरण राव को भी डिवोर्स दे दी है। आमिर खान और किरण राव ने लव मैरिज की थी और दोनों ने सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर सबके साथ शेयर की है कि इन दोनों ने रजा खुशी एक दूसरे से डिवोर्स ले ली है। और दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण राव ने डिवोर्स के लिए आमिर खान से 500 करोड़ रुपए की डिमांड की है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आमिर खान और किरण राव की डिवोर्स के बारे में सुनकर कैसा लगा। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की कुछ एक्सपेंसिव डिवोर्स। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इन डिवोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।